अस्सलाम वालेकुम, राबे की किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे राबे की किचन में पालक अंडा कड़ी। चिकन पालक आप लोग ने खाए होंगे, मटन पालक आप लोग ने खाए होंगे, हर तरह से खाएंगे, आलू पालक भी खाएंगे, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे अंडा और पालक की कड़ी। तो बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। आप लोग सभी मसालों का स्क्रीन शॉट ले लेना। तो यहाँ पर एक बंच मैंने पालक ली हूँ, छोटी सी गड्डी है, आप अपने हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से ज़्यादा कम इसको कर सकते हैं। और साथ ही में थोड़ी सी कोथमीर भी ले लेंगे और इसको हम लोग गर्म पानी में डालकर ब्लांच करेंगे ताकि हमारा कलर ग्रीन ही रहे। पालक को ब्लांच करने के लिए यहाँ पर मैं गर्म पानी रखी हूँ। अब इसमें डाल देंगे पालक, पालक को डंठल के साथ ही डाल देंगे, कोथमीर भी इसी में डाल देंगे ताकि हमारी पालक और कोथमीर दोनों ग्रीन ही रहे। पालक नरम हो चुकी है और 2 मिनट हो चुका है पककर। अब पालक को निकालकर हम लोग बर्फ के ठंडे पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से हमारे पालक का कलर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसको अच्छे से निकालकर डाल देंगे आइस वाले पानी में। अब आप लोग देख रहे हैं कि पालक का कलर कितना ग्रीन है। अब इसको निकालकर हम लोग एक बारीक वाला फाइन पेस्ट पीस लेंगे। बस 1 मिनट तक रखेंगे जब तक कि इसकी गर्म भाप निकल जाएंगी, उसके बाद में हम लोग इसको पीस लेंगे। पालक का पानी अच्छे से निकाल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी डालेंगे, नहीं तो थोड़ा से तेल डालकर इसका एक फाइन वाला पेस्ट पीस लेंगे। तो इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच ऑयल डाली हूँ, डाल के पीस लिया। आप भी इसमें थोड़ा सा तेल डालकर पीस लेना। तो यहाँ पर हमारी पालक की प्यूरी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग बघारने की तरफ। बघारने के लिए लेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 तेज पत्ता। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 100 ग्राम ऑयल। तेल इसमें आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही लेना। तो यहाँ पे डाल देंगे सारे खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले को अच्छा चटकने देंगे और उसके बाद में डालेंगे हम लोग प्याज। अब इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे जो बारीक चॉप की हुई है। प्याज को भी गरम मसाले के साथ अच्छे से ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। अब हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गुलाबी कलर की हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम लोग अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब अदरक लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ली हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप लोग टमाटर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर है पाउडर मसाले, 1 बड़ा चम्मच भर का धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। 2 मिनट हो चुका है टमाटर को भून के, साइड से तेल भी छूट रहा है। अब इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, ये सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे इसको भून लेंगे। मसाले की इस तरह से आप लोग को भुनाई करनी चाहिए, ऐसा हमारा मसाला बनना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, जब जाके हमारा मसाला परफेक्ट तरीके से बनेगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मेरे को मसाला भूनते हुए। अब यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पालक का पिसा हुआ पेस्ट और इसमें थोड़ा पानी डालकर हिलाकर डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे इसकी भी। जब तक हमारा यहाँ मसाला भून रहा है तब तक हम लोग अंडे को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडे लेंगे, उबले हुए अंडे को ऐसे हम लोग कट कर लेंगे 3 से 4 जगह पर ताकि हमारा मसाला अंदर तक अच्छे से पहुँचे। तो इसी तरह से सब अंडे को मैंने काट लूँगी। पैन लेंगे हम लोग और उसमें 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। अब अंडे को भी अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे जब तक कि उस पर गोल्डन कलर नहीं आता। अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अंडे में पूरी तरह से मिर्ची और हल्दी पूरी तरह से कोट हो चुकी है। अब इसको अलग रखेंगे। अब चलते हैं हमारी ग्रेवी की तरफ। तो ये हमारी अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है। अगर आपको पतला करना है तो इसमें थोड़ा बहुत इसमें पानी आप लोग अभी इस टाइम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब इसमें पानी डालकर मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब साथ में डाल देंगे ये फ्राई किए हुए अंडे। तो इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर हमारी
पालक अंडा कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब ऊपर से डालेंगे हम लोग 2 चम्मच भर के क्रीम और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने से बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है इसमें, तो आप लोग एक बार इससे ऐसा करके ज़रूर बनाना। तो अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। यहाँ पर हमारे अंडे और पालक की कढ़ी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अंडा और पालक, एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो इसी तरह और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।